वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गोल्डन स्टार पब्लिक हाई स्कूल बीजा दा विद्यार्थी तुहाडे सामने एक साखी पेश करन जा रहा हां, जिस दा विषय है वाहिगुरु दी शक्ति अपार है। एक पिंड विच एक आदमी रहंदा सी। उस पिंड दे नाल ही एक बहुत बड़ा जंगल सी, जिथे एक साधु रहंदा सी। ओ साधु बहुत ही बड़ा गुरुआं दा भक्त सी। एक दिन ओ आदमी उस साधु कोल जांदा है अते उसनु पुछदा है कि तुसी तो बहुत ज्ञानी हो, तुसी सब कुछ जानदे हो, थोनु ए भी पता होवेगा कि वाहिगुरु दे विच किन्नी शक्ति है। ओ तपस्वी कहंदा है कि वाहिगुरु दे विच शक्ति पता करनी है ता तू राजे दे घर होया एक पुत्तर जो ना बोल सकदा है, ना देख सकदा है, ना सुन सकदा है, तू उस कोल जा अते उस दे कान दे विच वाहिगुरु बोल। ओ आदमी राजे दे घर जाके उस बच्चे दे कान विच वाहिगुरु बोलदा है, उसनु तुरंत ही सुन लग जांदा है। फिर ओ तवस्वी को फिर जांदा है अते उसनु कहंदा है कि जब मैंने वाहिगुरु बोलिया ता फिर उसनु सुन लग गया, उसने कहा तू दोबारा जा अते एक बार फिर वाहिगुरु बोल। ओ फिर जांदा है अते फिर वाहिगुरु बोलदा है। फिर ओ अचानक ही बोलन लग जांदा है। ओ तपस्वी को फिर जांदा है अते फिर उसनु यही गल कहंदा है। ओ तपस्वी फिर उसनु कहंदा है कि तू फिर जा अते दोबारा उस दे कान विच वाहिगुरु बोल। ओ फिर जाके बच्चे दे कान विच वाहिगुरु बोलदा है अते बच्चा अचानक ही देखण लग जांदा है। ओ समझ जांदा है कि वाहिगुरु दे विच किन्नी शक्ति है अते इस तरह इस कहानी दा अंत हो जांदा है। इस दी सिख्या ए है कि वाहिगुरु दे विच इन्नी शक्ति है कि ओ गूंगे नूं बोलन ला सकदे हन, अन्ने नूं देखण ला सकदे हन अते बौले नूं सुन ला सकदे हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।